सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। एंड आज से स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है और आज सेमीफाइनल का डे वन था जो कि अभी भी चल रहा है। बाकी टीम सोल का आज 4 मैचेस थे जिसमें से सब खत्म हो चुके हैं। एंड 2 मैच में चिकन आया था फर्स्ट और सेकेंड मैच में, बाकी जो 2 मैच था सेनॉक और विकेंडी का उसमें थोड़ा सा अच्छा मैच नहीं गया टीम सोल का। बाकी जो डबल चिकन आया वो 6 और 8 फिनिशेस के साथ आया है। एंड चैनल पे जो भी नया सब्सक्राइब कर देना, जो हमारा गोल है वो है 56K सब्सक्राइबर 1 वीक के अंदर। सो जो भी नया सब्सक्राइब कर देना और अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। रोल ले सकते हैं क्योंकि VLT के पास भी एक अच्छा जोन एरिया है, बट पीछे से OR Esports का हमला। यहाँ पे Max ने ऑलरेडी हंटर को डाउन तो कर लिया है, बट क्या सही टाइम पे क्लाउनी अपने टीममेट को बचा पाएंगे? शायद बचा सकते हैं, लेकिन जोन शिफ्ट होने वाला है वापस से। देखिए 30 सेकंड का समय रहेगा जिसके अंदर सारी टीम्स को ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे जाके वो अपना एरिया कंट्रोल बनाए। टीम सोल हेक्टर थोड़ा सा आगे गए हैं जरूर, और OR Esports के ऊपर एक बार आते हैं हम आगे। Max को उन्होंने ने देखा एंड व्हीकल एक्सप्लोजन से उन्होंने गलती से अपने साथी को ही खत्म कर दिया। देखिए अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हम बढ़ेंगे डायरेक्टली अगले फाइट की तरफ। मिडवे अभी भी वो डिप का कवर, वो डिस्क का कवर क्या बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पर कूद कूद के डायनोसिस जो है डैमेज देने की कोशिश। जैप की HP देखिए कितनी लो है, फिर भी वो सर्वाइव कर रहा है। डायनोसिस इसी मौके का फायदा उठा के गए, जैप को किया नॉकआउट। ये कंफर्मेशन की तलाश में भी वो रहेंगे। एंड WSB के बाकी जो 2 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं वो अभी काफी दूर है, तो सर्वाइवल रिवाइवल काफी मुश्किल रहेगा। एडमिनो को स्पॉट किया हेक्टर ने, जो एक अग्रेसिव पोजिशन पे गए थे, जो जोन के अंदर कंट्रोल बनाने के लिए गए थे, और हेक्टर का ये फिनेस जोन कंट्रोल बनाने के लिए सोल को बहुत ज्यादा फायदा दिलाएगा। बट अभी के लिए टीम मिडवे ये अच्छे खासे सर्कल कंट्रोल लेके बैठे हैं। टीम VLT आप देखिए भारी भरकम मुसीबतों में, बट टीम सोल के खिलाड़ी सारे बचे हुए, किसी भी क्षण किसी के ऊपर पुश भी कर सकते हैं, बस इंतजार कर रहे हैं एक और नॉक का। फाइनली रिवाइवल्स तो आ चुके हैं, हंटर भी बाहर निकल रहे थे, करने की कोशिश क्या कर रहे थे, क्योंकि हेक्टर को आसानी से एक नॉक भी मिल चुका है, और इसका फायदा टीम सोल उठाने वाले हैं। जी हाँ, पीछे से देखिए स्प्रेग और टीको जितनी कि वो टीम सोल के खिलाड़ियों को डैमेज तो उन्होंने जरूर डील किया है, लेकिन नॉकआउट उनको नहीं मिला। और यहाँ पे टीम सोल के चारों एकदम खिलाड़ी तैयार जो है फाइट लेने के लिए बढ़ने वाले हैं, वो एकदम मंजे हुए खिलाड़ी है ये। लेकिन हेक्टर को देखा गया, नॉकआउट निकालने की पूरी कोशिश की आतंकी की, एक और बुलेट लग जाता तो नॉकआउट हो जाते, लेकिन हुआ नहीं है वो। हेक्टर बहुत ही स्मार्ट गेम दिखाते हुए WSG के खिलाड़ी को और किया गया नॉकआउट। मिडवेव टोटल 11 फिनिश पॉइंट्स ऑलरेडी पहले मैच से निकाल चुकी है। ये मिडवेव की जो आग लगी थी परफॉर्मेंस में, वो आग अभी भी देखिए उभल रही है, जला दे रही है सबको, इस लॉबी को कितना ज्यादा परेशानी में डाल रहे। लेकिन टीम सोल टॉप 3 में अपना नाम लिखते हुए, और अभी भी टीम तमिलनाडु के मिस्टर IGL किसी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं वो जोन के बाहर। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। और मिडवेव ईस्पोर्ट्स उनका गेम देखिए, वो पीछे पूरा हट चुके हैं, और टीम सोल वो गाड़ी लेके जाना चाहते हैं, एक ऑफ एंगल क्रिएट करना चाहते हैं, गाड़ियां लेके ही वो आगे आएंगे। लेकिन क्या आरू तैयार है? जी नहीं, अब कुचला गया ओमेगा के द्वारा, और यहां लग तो रहा है कि शायद से मिडवेव के लिए मुश्किलें रहेंगी। जी नहीं, हेक्टर आएंगे और खत्म कर देंगे एक और खिलाड़ी को। तो चिकन डिनर तो अनिवार्य है ही है, बट टीम तमिलास मिस्टर IGL जितनी तारीफ करे उतनी कम, क्योंकि एक पॉइंट पे इनफैक्ट मिड गेम के दौरान ही ग्लैडिएटर्स का पुश आया था, वहां पे इनके 3 खिलाड़ी करते हुए नजर आएंगे। ओरैंगुटैन वर्सेस टीम सोल, ये कहीं ना कहीं एक फाइनल बैटल है, ये एक डिसाइडर बैटल है। जो टीम इस बैटल को जीतेगी, चिकन डिनर की प्रबल दावेदार वही टीम रहने वाली है। एक बढ़िया ग्रेनेड कॉबलिन के द्वारा एश को वहां पे टेक डाउन किया जाएगा, और अब वो ओपनिंग नॉक आ चुका है। प्रेशर में टीम ओरैंगुटैन है, और वो जो क्वेश्चन है वो करने की कोशिश हो सकती है। एक और ग्रेनेड के साथ गॉबलिन तैयार, AKOP, क्या उनको टेक डाउन किया जाएगा? जी नहीं, इस बार उतना प्रिसाइज वो ग्रेनेड गया नहीं। गॉब्लिन अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं AKOP की बात करें, वो बस अपनी पोजीशन को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी पता है कि उस रिज के ऊपर, उस माउंटेन के ऊपर कोई और टीम हो सकती है, इसलिए उसको वहां से भी कवर देने की जरूरत है। बट अब AK के सामने गॉब्लिन को शॉट दिए गए, DPS का प्रहार करने की कोशिश, चलिए वो रिलोड पे चले गए। AKOP को डाउन किया जाएगा, एंड गॉब्लिन को शाइन करते हुए, एंड इनफैक्ट एंग्री एप को भी उन्होंने स्पॉट कर लिया, उसका फायदा भी उठाएंगे, उनके पोजीशन के बारे में वाकिफ भी है। और टीम सोल बहुत ही सही तरीके से अपने गेम्स निकालते हुए विस्कॉट उनको। बाकी आपको टीम सोल का ये डबल चिकन डिनर कैसा लगा, बैक टू बैक मुझे कमेंट करके बताना। बाकी आपने BGIS ग्रैंड फाइनल का अगर व्लॉग नहीं देखा है तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो एंड जाके चेकआउट कर सकते हो।
तो बस यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सोल के अपडेट एंड तोड़ फोड़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।